सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है टू कंट्रोल द प्राइस इन द मार्केट अब उस चीज को बेसिकली सेलिंग प्राइस है क्या सेलिंग प्राइस इज अबाउट द फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम प्राइस दैट एम नोपलिस्ट कैन चार्ज फॉर इट्स आउटपुट क्योंकि हम ये जो सारी डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज अंडर द इम परफेक्टली मार्केट और यहां पर हम बात किस आप कह लें सेलर की कार रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलर हु इज ऑपरेटिंग अंडर कि देयर इज अ सिंगल सेलर अब यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा से, का? And, ab, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव है टू इनक्रीज इन आउटपुट प्रोड्यूस बाई मोनोपली अब हम सेलिंग प्राइस का इम्पैक्ट शो करेंगे ऑन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म दैट ऑपरेट्स अंडर मोनोपली हाँ जी ये इस डायग्राम में जितनी भी आपके पास कर्व्स हैं आर द डिमांड कर मार्जिन रेवन्यू कर फर्म दैट ऑपरेट्स अंडर मोनोपोली और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट हम डिटर्मिन करते हैं बाय इक्वेटिंग मार्जिनल कॉस्ट विद मार्जिनल रेवेन्यू और इस के अगेंस्ट जो क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट दैट विल बी प्रोड्यूस बाई दोनोपलिस्ट इट इज इक्वल टू क्यू एम क्वांटिटी ऑफ क्यू एम के अगेंस्ट मोनोपलिस्ट कैन चार्ज अ प्राइस इज इक्वल टू पी एम और बाय सेलिंग क्यू एम अगेंस्ट पी एम प्राइस मोनोपलिस्ट कैन अर्न अ प्रॉफिट जिसको मैं यहां पे एक रिक्टेंगल की फॉर्म में शो कर रहा हूं कि पी एम बी ए डी कि ये जो रिक्टेंगल है यहां पे दिस रिक्टल इंडिकेट्स द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपलिस्ट व्हेन इट ऑपरेट्स अंडर

जो आपके पास ऑप्टीमल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है दैट इज इक्वल टू टू वन वेन गवर्नमेंट सेट पी मैक्स एज एज सेलिंग प्राइस ऑफ दिस्ट आउटपुट तो यहां पर जो आपके पास मार्जिनल रेवन्यू करवोगी मोनोप्रिस्ट की उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट फ्रॉम पी मैक्स टू ई और ई के बाद ये जो मेरा E टू F के दरम्यान वाला जो पोर्शन दैट इज दी ब्रोकन पार्ट ऑफ द मार्जिन रेवेन्यू कर और उसके बाद जो आपकी मार्जिन रेवेन्यू कर होगी दैट इज एफ जी अब अगर मोनोपोलिस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करे एट अ आउटपुट लेवल Q1 एट एन एट एन आउटपुट लेवल लेस देन Q1 तो देन ही इज नॉट मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहां पे करेगा ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ इट प्रोड्यूस आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड अंडर न्यू मार्केट सिचुएशन दिस मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एट पॉइंट ई क्योंकि अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मेरे पास क्या है पी मैक्स ई फिर ब्रोकन पार्ट और उसके बाद एफ जी और यहीं पे अगर मैं डिमांड कर फॉर मोनोपुट की बात करूं वो मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज पी मैक्स ई डी अब यहां पे जो डी है दैट इज दैट डी इज लोकेटेड ऑन द डिमांड कर्व और इस न्यू मार्केट सिचुएशन में जो मोनोपलिस्ट प्रॉफिट और इस क्यू वन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मोनोप्लिस्ट हैज टू बियर अ कॉस्ट दैट इज नोटेड विद आई और ये आई मेरे पास क्या दिस इज द एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस क्यू वन लेवल ऑफ द आउटपुट और इस न्यू मार्केट इस न्यू सिचुएशन में वेन मैक्सिमम प्राइस सेट बाई द होगा द डिनोटेड विद पी मैक्स एच और आई द रिकल पी मैक्स आई डिनोट द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपलिस्ट वेन सेलिंग प्राइस सेट बाई जी आप एक चीज ऑब्जर्व यहां पे कर सकते हो कि बाय सेटिंग सीलिंग प्राइस देयर इज डिक्रीज इन द प्रॉफिट देर द मोनोपलिस्ट इज अर्निंग और उसके साथ साथ क्या हो गया मोर आउटपुट इज इज सोल्ड इन द मार्केट मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय द दोनोपलिस्ट अब बाय ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइस सीलिंग इन द मोनोपलिंग हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ प्राइस सेलिंग देयर इज लोअर प्राइस ऑफ आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस बाई दोनोपलिस्ट और उसके साथ साथ क्या हो गया कि इक्लिब्रीम लेवल ऑफ आउटपुट इनक्रीजेस देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट सप्लाई बाई मोनोपलिस्ट इन दार्केट और साथ में इट रिजल्ट इन अ रिड्यूस इन प्रॉफिट ऑफ द मोनोपलिस्ट इफ मोनोपलिस्ट इज एक्सप्लाइटिंग इज मोनोप्ली पावर दैट मोनोप्ली पावर हैज बीन रेड्यूज बाई इम्पोजिंग सेलिंग प्राइस